ਮੈਂ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿ ਮਾਰੇ ਲੁਗਾਈ ਆਵੇਗੀ हमला तकरार तो या 20 दिन पहला भी पंचायत हो गई थी, जामन पर छोड़ दी गई थी, खरक का उनका बनोया पाए और ये दुर्घटना कल होगी। किस तरह की घटना हुई है, किस तरह से मारी गई? फांसी पे लटकाई गई है, मार के फांसी पे लटकाई गई है। अपने आप खाई है? नहीं, निशान थे वहाँ पर, निशान थे। एक बज गया 52 मिनट पर। एक मिनट मतलब फोन फान आया या? फोन करया उसका जेठ ने, फोन करया एक बज गया 52 मिनट के गया भाई सारी लड़की फांसी खाई गई। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। नाम बताओगे? शमशेर। शमशेर कहाँ से? कुराड़ से। कुराड़ से। जो ये मामला हुआ है आज, जो जींद के हॉस्पिटल में बैठे हो, पंचायत एक साइड से दूसरी साइड कह रही, दूसरे पक्ष की और आपके पक्ष की, क्या पूरा मामला है एक बार बताइए। पूरा मामला यू है जी, लड़की मारी गई। आपका नाम? आपके नाम था जींद रो। कौन सा गाँव प्यार? कौन सा गाँव शादी करा? दनखड़ी। दनखड़ी। कितने साल हो गए थे शादी में? शादी ने 2-7 साल तक 3 महीने कम रह गई। 16 में हुई थी, 12 में गई, 12 ने। अच्छा, लड़का लड़की की? लड़का है 5 साल कुछ भी नहीं का। तो के तकरार हुई थी मामला थोड़ा एक बार? मामला तकरार तो या 20 दिन पहला भी पंचायत हो गई थी, जामन पर छोड़ दी गई थी, खरक का उनका बनोया पाए और ये दुर्घटना कल होगी। किस तरह की घटना हुई है, किस तरह से मारी गई? फांसी पर लटकाई गई है, मार के मार के फांसी को लटकाई गई। अपने आप खाई है? नहीं, निशान थे वहाँ पर। निशान थे। पहला भी पंचायत हुई होगी तो उसमें के क्या फैसले रहे हैं? पंचायत पहला भी इस बार हो रही, 3 साल पहला हुई थी, उसका ताऊ ने खंड का गेट दिया था, मैं मरी ने छूट गई, मगा चल भाई आज पाछा नहीं होएगी, फिर हट के फिर यू 20-21 दिन पहला हुई है। फिर भी बाकी रोड़ा किस चीज़ पर, तकरार किस चीज़ पर थी? आप कई बार पंचायत लेके गए? कई बार लेके गए हैं, घर घर का रोड़ा था, मतलब घर के रोज दो रही कर दी। कोई दहेज का मामला था, कोई और जमीन का था, किस तरह की? कोई मामला नहीं था दहेज का, मतलब वैसे तंग करा कर, वैसे तंग करा कर, मार के ही करेगा, वैसे ही तंग करा कर। ईब अंतिम दाह संस्कार को नहीं करा, पास के है पोस्टमार्टम होना है जींद हॉस्पिटल में, तो अंतिम दाह संस्कार कराड़ा हुआ जी, कुराड़ में। तो क्या विशेष रहोगा, मतलब आप मतलब सहमति नहीं बन पाई पंचायत? नहीं हो सकती। उनके गांव के, उनके घर के कौन लोग आ रहे हैं आप? पूरा तो हमने के बेरा घर का तो कोई नहीं है उनका। पंचायत हुई थी फिर भी? पंचायत में तो के कोई नगूरा का, कोई बधाणा का, कोई नहीं है, यानी कि आसपास के गुआंढ के ले रखे हैं? गुआंढ उनके घर का कोई सदस्य नहीं, उनका मालिक हुआ ही नहीं, कोई नहीं आया? नहीं। हाँ जी ताऊ जी, आप भी सीनियर हो, आपने ही बेरा है, किस तरह मतलब पंचायत में क्या फैसला होया? फैसला जी मैं तो नीवाला का हूँ। हाँ जी नीवाला रहूँ मैं तो। नीवाला का? हाँ। अच्छा, पंचायत तो कहीं बेरा है कुकर हुई, कुकर नहीं हुई। पंचायत आ रही है, उसने कोई पेटा भरा है? नहीं भरा प्रकार का, कोई पेटा नहीं भरा। अच्छा, पेटा भर जंदा दे अग पावा मधी जुई पे पेटा भरागा, बिना मधी में कुकर पेटा भरागा। तो जो पंचायती आ रहे हैं धनखड़ी, तो उनका क्या कहना है के कुछ? वहाँ तो चोली करके राजी बनूंगा, मैं दोषी है बोलिया, बस और कुछ नहीं है, वो तो दोषी बना रही है। कम से कम 1 घंटा लगातार जो पंचायत सभा चाली है? चाली है, दोषी बना रहे हैं लगातार। अच्छा, तो आप के कार्रवाई करोगे? अगर के कार्रवाई करोगे? जो सी कार्रवाई होनी है वो होगी, गवर्नमेंट करेगी, केस इजाज देगी के नहीं है। केस किस चीज़ का लगवा है? केस तो मान का लगा है, यानी कि आपने साफ कर दिया कि भी मारी गई है जान। हाँ, साफ कर दिया। कौन सी धारा लगाई गया आपने? धारा तो इतना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, आइए भाई मड़ा। पूरा बोल दिया। कब का मामला है? कल का। कल का कितने बजे का? 2 बजे फोन गया हमारे पता। अच्छा, घर पे थी, खेत में थी, कहाँ थी? घर आ पाई है जी, घर आ पाई है। कुछ इस तरह से मतलब अखबार में न्यूज में जो आ रही है, अखबार खेत में मतलब कुछ स्कूल में बच्चे छोड़ने के लिए बस में जा रही थी, उस टाइम में मतलब घर पर छोड़ी गई थी,
मम ने क्या बेरा उनसे केली खैर कर दी। किस टाइम पता लगाया जी अंकल जी आपने? एक बज गया 52 मिनट पे। एक मिनट के मतलब फोन फान आया या? फोन करया उसका जेठ ने फोन करया एक बज गया 52 मिनट के गया भाई सारी लड़की फांसी खा गई। कई दो पंचायत होने के बावजूद भी आखिर में वो ये काम होया जो सोच रहे थे। हाँ वो ही होया। फिलहाल जींद के जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ से आप हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हो और एक बड़ा ही पेचीदा मामला जो जानबूझ के बताने लग रही है, जैसे कि परिजनों ने आरोप लगाए हैं, लड़की के बाप ने जो आरोप लगाए हैं उनका स्पष्ट मानना है कि जो फांसी लगाई गई इनकी लड़की को जानबूझ के फांसी लगाई गई, कुछ निशानदेही भी बताने लग रही है। आपने पूरा मामला सुना, जींद के हॉस्पिटल में उसका पोस्टमार्टम होने लग रहा है, जो लड़की के जिंद्रो नाम था ना, जिंद्रो जिस लड़की का नाम था, एक लड़का बताया जाने लग रहा है, उस कुराड़ गांव की जो लड़की है और धनखड़ी वो ब्याह रखी जींद डिस्ट्रिक्ट में जो धनखड़ी है, कुराड़ है कलायत के पास है जो कुराड़ गांव, वहाँ का मामला है। उनके पिताजी ने जो बताया है उन बातों से आप कितने सहमत है? आपने पूरा मामला सुना है, जो लड़की के जो पिताजी ने बताया है किस तरह से उनकी बार बार सताया जाने लग रहा था, बार बार उनके घर पर पंचायत हो जाने लग रही थी, उसके बावजूद भी उनको नहीं बख्शा गया, आखिर में उसकी फांसी देकर हत्या कर दी गई है। फिलहाल जींद से जो हॉस्पिटल से आप वहाँ से लाइव तस्वीर देखने लग रहे हो, आपका क्या मानना है? अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दियो। मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, नई अपडेट में। सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं सुशील, धन्यवाद।